सवाल ये है कि जब सरकार बदली है तो ही क्यों आवाज़ उठने लगी? इसके पहले सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, तो क्यों मुस्लिम समाज के लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं है, आवाज़ लोगों ने उठाई थी, लेकिन वो बहुत दबी हुई आवाज़ थी, वो दबा आवाज़ जो है बहुत मुखर उखर के नहीं आ पाई थी, इसलिए महसूस हो रहा था कि मुसलमानों ने उस वक्त आवाज़ नहीं उठाई। बहुत सा खत्ता ऐसा था मुसलमान का जो चाहता था कि राम मंदिर का निर्माण हो जाए, वहाँ बन जाए, क्योंकि यहाँ जो है वो कम से कम 100 करोड़ हमारा हिंदू है, और मैं तो कहता हूँ इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हमारा हिंदू भाई कितने दिनों से, तो अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, ये अल्लाह ने नहीं कहा कि हिंदू के साथ सब्र करने वालों, मुसलमान सब्र करने वालों के साथ है, ईसाई सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, इन्नल्लाह मा साबिरीन। हमारा हिंदू भाई कितने सालों से सब्र कर रहा है, एक उसके आस्था का प्रश्न, एक उसका भगवान, एक उसका पथ प्रदर्शक है, एक उसका दिशा देने वाला है, उसके लिए वो इंतज़ार कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ऊपर वाला भी उनकी मदद करेगा और जल्दी से जल्दी राम मंदिर निर्माण होगा।